गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर एक्सप्लोरर। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल के ऊपर। और आज हम हैं, आपको जैसे मैंने बता ही दिया था, कल मैं पहुंच चुका था शिराज। आज हम जाने वाले कुछ प्लेसेस, तो सबसे पहले हम अपना दिन स्टार्ट कर रहे हैं ब्रेकफास्ट के साथ। मैं आपको ब्रेकफास्ट भी दिखा देता हूँ, और होटल में मुझे ये कॉम्प्लीमेंट्री मिला है मेरे स्टे के साथ। कुछ इस तरीके से मेरा ब्रेकफास्ट है। बॉइल्ड एग्स भी आ रहे हैं मेरे, और ये मेरा फ्राइड एग्स है, ब्रेड है, बटर है, चीज़ है, और थोड़ा सा सैलड है। तो अभी हम निकल रहे हैं हमारे हॉस्टल से, जो कि पीछे की तरफ था। अभी फिलहाल मैं कुछ ही कदम आगे आया हूँ हॉस्टल से, और कुछ ऐसी छोटी छोटी एलिया में मैं चल रहा हूँ फिलहाल। और बहुत ही अच्छा टेम्परेचर है फिलहाल, 3 से 4 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर है। धूप काफी अच्छी आ रही है, काफी मजा आ रहा है। जो मेरा हॉस्टल का रेट था वो था 12 यूरो, जिसके अंदर मुझे ब्रेकफास्ट इंक्लूडिंग मिला है। और हमारे हॉस्टल से निकलते ही कुछ ही दूर पे शाह वकील मॉल जो है वो सामने ही है, और कुछ तरह इस तरह से ईरान का नजारा है सुबह सुबह में। काफी ठंड है, तो मैं अली से बाहर निकला हूँ, और सामने ही मेरे है मॉस्क जिसमें मुझे जाना है, नासिर अल मुल्क मॉस्क। ये सामने रोड क्रॉस करते ही नासिर अल मुल्क मॉस्क आ जाएगा। मैं पहले रोड क्रॉस कर लेता हूँ। पर्शिया में आपको थोड़ा रोड क्रॉस करने पे ध्यान देना पड़ता है। कुछ इस तरीके से एंट्रेंस है नासिर अल मुल्क मॉस्क का। सलाम। काफी खूबसूरत सी जगह है, मैं आपको दिखा देता हूँ। और मेरे पीछे आप देख ही सकते हो कितना खूबसूरत सा मॉस्क दिख रहा है आपको। हेलो, यस यस, नो प्रॉब्लम, यू कैन स्पीक। आई एम अ टैक्सी ड्राइवर इन फ्रंट ऑफ पिंक मॉस्क। ओके, यू आर गोइंग टू विजिट फर्स्ट पुलिस? आई हैव ऑलरेडी बुक्ड अ टूर फ्रॉम माय हॉस्टल। So, yeah, Persia Police, Naksharustam and Nafa, Pasargad. How much? I don't know, it was including my room. I took a full package for Shiraz. Uh-huh. I think some hotel too expensive. I go full day, visit $30. Okay. 30 for full day. Can I speak English? Yes, I can speak Best English. Police, Necropolis, Pasargad, go and back. Okay, about. Good. It's my number. If hotel expensive, change. I wish. तो कुछ इस तरह से एंट्रेंस है पिंक मॉस्क का। थैंक यू।
सो यहाँ से टिकट लेनी पड़ेगी मुझे अभी फिलहाल, मैं टिकट ले लेता हूँ उसके बाद आपसे मिलता हूँ। हाँ लिए अभी 1 million rial की टिकट है जो कि करीबन बनता है $2। इफ यू कैन गिव दिट्स बेटर। इन्होंने मुझे अभी टिकट हैंड ओवर कर दी है और मैं आपको टिकट दिखा रहा हूँ। ये टिकट है 1 million rial की, आपको क्लियर दिख जाएगा इसमें। थैंक यू। तो इसे लोग कहते हैं पिंक मॉस्क। उसका एक स्पेसिफिक रीजन है, इसमें ज्यादा पिंक कलर का यूज किया गया है और इसके अंदर जो ग्लासेस लगे हुए वो सारे पिंक है। तो आप देख ही सकते हो मेरे पीछे जो पिंक मॉस्क है, इसे पिंक मॉस्क कहा जाता है क्योंकि पूरे जो ग्लासेस लगे हुए पिंक है और इसके अंदर जो रिफ्लेक्शन आती है वो पूरे अलग अलग कलर की रेनबो शेड्स में आती है ग्लासेस पे पड़ के। वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी अंदर चल के, पहले मैं आपको बाहर का एक्सेस एरिया दिखा देता हूँ, जो लॉबी है बाहर एक छोटा सा पूल बना हुआ है और वेटिंग एरिया जैसा है वो भी दिखा देता हूँ। मैंने टिकट परचेज कर ली है 1 million rial की। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। एंटर पे करने से पहले आपको एक रूल है, आपको शूज बाहर उतारने पड़ते हैं और हम शूज बाहर उतारने वाले हैं। एक्सक्यूज मी, और यही वो मॉस्क है जिसकी मैं बात कर रहा था, पिंक मॉस्क, और इसी शेड्स के लिए लोग आते हैं यहाँ पे स्पेशली, जो अलग अलग ग्लास के ऊपर धूप पड़ती है और अंदर शेड्स आते हैं तो बहुत खूबसूरत दिखता है। इनका आर्किटेक्चर देखिए आप, खाली पूरा पिंक कलर में है, सीलिंग्स तक पे पिंक कलर यूज़ किया हुआ है और ये रिफ्लेक्शन आते हैं ये इसी ग्लास की वजह से आते हैं, पूरी सीलिंग और ज़्यादा निखर के आ जाती है या कह सकते हैं और खूबसूरत हो जाती है। काफ़ी लोगों का फोटोशूट चल रहा है, काफ़ी रश है क्योंकि ईरान में 4 दिन का हॉलीडे डिक्लेयर है, कुछ फंक्शंस हैं इनके उसकी वजह से तो 4 दिन तक हॉलीडे है। सो बहुत सारे लोग आए हुए हैं मॉस्क देखने के लिए या विजिट करने के लिए। नज़ारा जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था पीछे से, ग्लास के ऊपर पूरा शैडो इफेक्ट, और आप देख ही सकते हो मेरे पीछे कितना रश है आज, काफ़ी मज़ा आ रहा है और काफ़ी अच्छे लोग हैं आप कह सकते हो। देखो इस मेन सेंटर अट्रैक्शन है ये यहाँ का मॉस्क। और यही वो शैडोज है जिसकी मैं बात कर रहा था, ग्लास के ऊपर गिरता है और बहुत ही खूबसूरत दिखता है। इसका बेस्ट टाइम अर्ली मॉर्निंग में आने के लिए, जो कि मैंने किया है आज। जैसे ही अगर सन पीछे चले जाएगा आपकी दोपहर हो जाएगी तो ये शैडोज नहीं दिखेंगे, तो ये मॉस वैसे भी खूबसूरत दिखता है बट ये चीज़ का एक्सपीरियंस लेना एक अलग चीज़ है और इसी एक्सपीरियंस के लिए लोग ये मॉस में आते हैं। तो अभी हम चल पड़े हैं नारंजिस्तान गार्डन के लिए। रास्ते में कुछ ऐसी छोटी शॉप से ग्रोसरीज मिल रही है, कैफे है, मीट्स वगैरह मिल रहा है। स्वीट्स और बेकरीज की दुकान है, क्लोथिंग है और काफ़ी मज़ा आ रहा है। ठंडा क्लाइमेट है एकदम, धूप में जाओ तो काफ़ी अच्छा फील होता है, धूप में ना रहो तो काफ़ी चिली फील होता है एकदम।
या एकदम कड़कड़ाने वाली ठंडी है। 3 डिग्री का टेम्परेचर है, सुबह के 10 बज चुके हैं अभी और 3 डिग्री का टेम्परेचर है। ये चीज़ देख के कर सकते हो कितने अलग अलग टाइप के हीटर बिक रहे हैं यहाँ पे। आप देख लीजिए कितना ठंडा हो सकता है, मतलब यहाँ पे -60 डिग्री जा रहा है रात को और मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 12 डिग्री से ऊपर नहीं जाएगा। बाजार में चल रहे हैं, थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं शिराज को, और शिराज को एक्सप्लोर करते हुए काफ़ी लोग मिल रहे हैं, पूछ रहे हैं आप कहाँ से हो। बट प्रॉब्लम ये है कि मैं फारसी नहीं बोल सकता, वो इंग्लिश नहीं बोल सकते, तो ज़्यादा कम्युनिकेशन मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। बट काफ़ी अच्छे लोग हैं और काफ़ी मतलब अच्छे से ट्रीट करते हैं, आपसे अच्छे से बात करेंगे, पूछेंगे आप कहाँ से हो, आप क्या कर रहे हो, चाय के लिए आपको इनवाइट करेंगे, काफ़ी चीज़ें हो रही है साथ में और ये बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है और काफ़ी मज़ा आ रहा है। इस तरीके से बहुत सारी बुखारी की शॉप्स दिख रही है मुझे, ब्लैंकेट्स और पर्शियन कारपेट्स वगैरह सारी चीज़ें मिल रही है। आपको पता ही है पर्शिया पर्शियन कारपेट्स के लिए बहुत फेमस है और काफ़ी अच्छा माहौल है, मतलब सुबह के 10:30 हो रहे होंगे अभी फ़िलहाल और काफ़ी चिल्ड माहौल है, टेम्परेचर भी काफ़ी अच्छा है, मतलब एकदम चिल वाला ठंडी तो है ही बट धूप में जाओ तो आप काफ़ी अच्छा फील होता है। चलते पहुँच चुके हैं नर्जिस्तान कुंभ एली की तरफ, जैसे कि आप बोर्ड देख ही रहे हो और काफ़ी लड़कियां घूम रही है, पता नहीं क्या है बट काफ़ी लड़कियां घूम रही है और एक काफ़ी खूबसूरत सी एली है। हर जगह पे आपको जाएंगे जो आपको टूरिस्ट के लिए पूछेंगे, जिनका जॉब है आपको ले जाएंगे $30 $20 अलग अलग प्राइजेस कोट करते हैं यहाँ पे लोग, वो डिपेंड करता है आप कैसे जा रहे हो। उसी के साथ पहुँच चुके हैं हम नर्जिस्तान म्यूजियम और हमें तो गार्डन जाना है तो हम आगे जाएंगे, म्यूजिक में इंटरेस्टेड मैं नहीं हूँ। मैं पहुँच चुका हूँ नर्जिस्तान गार्डन, मैंने यहाँ पे 1 million rial यहाँ पे भी पे किए और कुछ इस तरह से उन्होंने मुझे टिकट दे दी हाथ में और अभी मैं एंटर करता हूँ और आप लोगों को भी दिखाता हूँ। तो ये इस जगह के बारे में कुछ हिस्ट्री भी दी गई है, आप लोग रीड कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, बाकी मैं आपको गार्डन और इस जगह की खूबसूरती मैं दिखा दूंगा। फाउंटेन वगैरह लगे हुए और काफी खूबसूरत सा गार्डन बना हुआ है, जैसे कि आपको मैंने पहले ही बता दिया है वीडियो में ये किस चीज के लिए यूज होता है उसका मैंने डिटेल डाल दिया, बट फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जगह आपकी फैमिली से बाहर के लोग आते तो उनको ग्रीट करने के लिए और वो जगह के लिए यूज़ होती थी और काफ़ी एंटीक प्रोडक्ट्स भी रखे हुए ग्लास के बने हुए लैम्प्स वगैरह जैसे आप सिटिंग में यूज़ कर सकते हो। कोकोनट ट्रीज वगैरह है, काफ़ी खूबसूरत सा एक थ्रोन रखा हुआ बैठने के लिए जहाँ पे फैमिली के हेड या किंग बैठ सकते हो और एक शीशा रखा हुआ है या हुक्का कह सकते हो आप, बहुत ही लाविश सा दिख रहा है और फ्रूट्स वगैरह ऐसे सर्व किए जाते थे किंग को। ये स्टेयरकेस है और तख्त कह सकते हो आप, कितना खूबसूरत है, पूरा गोल्ड से बना हुआ है, गोल्डन कलर में या कॉपर से बना हुआ है, बहुत खूबसूरत दिख रहा है और इसलिए इतना जूना प्रोडक्ट है फिर भी इसे इतना अच्छा मेंटेन किया गया है। देखिए साथ में खाली कितना खूबसूरत है ये जगह, और ये थ्रोन जो बैठता होगा उसका मतलब कितना रॉयल लुक होगा वो पता नहीं है, बट ये देख के ही समझ में आ रहा है कि जो बंदा बैठता था वो काफ़ी रॉयल होगा या काफ़ी रिच होगा। आप शीशा वगैरह देख लीजिए साथ में, कितना खूबसूरत है ये, पूरा पिंक है और इसका आर्किटेक्चर कितना लाजवाब है, घास से पूरा या ग्रास से पूरा गेट बना के रखा हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है जिससे आप एंटर करते हो। ये बिल्डिंग देखे देखे इतना खूबसूरत लगता है, इसका क्या जवाब नहीं इनके आर्किटेक्चर का, ग्लासेस वगैरह लगाए हुए और आप लोगों को देख ही रहे हो, काफ़ी रश है हर जगह, हर टूरिस्ट प्लेस पे रश होगा फिलहाल तो,
उसका रीज़न है कि छुट्टियां चल रही है और ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ इन्होंने छोड़ दिया हो कुछ काम, मतलब हर जगह टाइल्स, यहाँ तक कि सीलिंग तक वाइट नहीं रखी है, पूरा एंग्रेविंग करके बनाया हुआ है, आप देख ही सकते हो। डोर्स देखिए इनके कितने जूने हैं, बट कितना खूबसूरत डिजाइन वगैरह करके रखा हुआ है डोर्स पे। ये लॉबी है या वेरांडा कह सकते हो आप इसको, पूरे ग्लासेस लगे हुए हैं और इसकी सीलिंग आप देखिए पूरी ग्लास से बनी हुई है, यहाँ तक के बीच का शैंडेलियर भी ग्लास का है। कुछ उस वक्त की सिटिंग्स है जैसे कि आप देख ही सकते हो, यहाँ पे भी वो ग्लास का यूज किया हुआ है। शैंडेलियर्स देखिए इनके, उस टाइम पे ग्लास से पूरे बनाए हुए, यहाँ पे भी सीलिंग पे पूरा काम किया हुआ है, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। और ये जो वुड का काम है पूरा हैंडमेड है और सारी चीजें हाथ से एनग्रेव की हुई, एक एक बारीक बारीक चीजें आप नोटिस कर सकते हैं इस पे। पे आकर ऐसा पता चलता है कि मतलब हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो कितने स्किलफुल थे, टैलेंटेड थे, जो इतना बारीक काम हाथों से करते। अभी तो मशीन्स आ गई है सारी करने के लिए, बट उस समय पे भी काम जो होता था वो हाथों से होता था और वो कितना लास्टिंग रहता था। ये जैसा किया गया था आपको मैं बता रहा हूँ, पूरा हैंड पेंटेड है, देखिए उसका भी एक पिक्चर रखा हुआ है इन्होंने। इस तरह से कुछ हैंड पेंटेड होती थी सारी चीज़ें और उन्होंने आज भी सारी चीज़ें प्रिजर्व करके रखी हुई है। आप इस एंग्रेविंग को देखिए खाली, आप एंग्रेविंग देख ही सकते हो और मैं सारी एंग्रेविंग फील कर पा रहा हूँ। देखिए आप पूरा ऊपर नीचे हर चीज टच कर सकता हूँ, तो मैं टच कर रहा हूँ चीजों को। अब देखिए एंग्रेविंग हर चीज के अंदर फिंगर जा रही है, मतलब इतना बारीक काम भी इन्होंने इतना अच्छे से किया हुआ है। फ्लावर का भी बनाए हुए का शेप देखिए, जो इसमें इन्होंने फ्लावर्स उगा के रखे और सामने एक फाउंटेन लगा के रखा हुआ, कितना खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे आप ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के भी, यहाँ पे ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के भी फोटो खिंचवा सकते हो, उसका भी ऑप्शन अवेलेबल है। मैं नहीं जा रहा हूँ वो सारी चीज़ों के लिए क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, बट अगर आप आ रहे हो तो आप ट्राई कीजिए, क्योंकि ये एक यूनिक एक्सपीरियंस हो सकता है कि आप पर्शियन क्लोथ्स पहनो और उसके अंदर फोटोज खिंचवाओ, काफ़ी अच्छा दिखता है वो। तो ये हमें हेल्प करने वाले हैं कि क्या ड्रेसेस यहाँ पे अवेलेबल है, तो मैं वो भी स्टोर विजिट कर रहा हूँ कि कोई मेरा भाई या बहन आए तो वो देख के पहन सकता है। For women, we have Aryei and Kashgai. It's about a Turkish Kashgai. Okay. If you want, we can show it. Yes, I can see you are already wearing it. It's Aryei. Yes. Like this. See, इन्होंने एक कपड़ा पहना हुआ है ट्रेडिशनल जो फीमेल के लिए होता है, वो हमें बता रहे हैं और जो डिफरेंट वेराइटीज है वो भी हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं। इतनी सारी वेराइटीज आप चूज कर सकते हो, ये फीमेल के लिए पूरा ऑप्शन है, आप इसमें से कुछ भी चूज कर सकते हो। कुछ टर्किश डिजाइन है, कुछ ईरानियन है, काफी खूबसूरत सी डिजाइन है, आप आके अपने पिक्चर्स क्लिक करा सकते हो। एंड व्हाट आर द प्राइसेस फॉर द पिक्चर्स? You can see. Okay, 50. It's for Iranian people. Okay. It's for Persian. आप रेट देख सकते हो यहाँ पे और जो रियाल में लिखे हुए रेट्स। And ये किंग्स के लिए हैट है जो हमें बता रहा है, बहुत ही खूबसूरत है।
देखते हैं, दुकानों में हम लोग आते हैं, देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को, तो हमें पता चलता है उनका ट्रेडिशन और सारी चीज़ें। और भी मैं आपको बताते रहूँगा मेरे माध्यम से, आप देखोगे कुछ तो अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ी तो आप वो चीज़ें यूटिलाइज़ कर सकते हो लाइफ में। मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई भाई या बहन आए ईरान तो ये सारी चीज़ें ट्राई करें, क्योंकि मेरे पास तो समय नहीं है, क्योंकि मैं बहुत टाइट स्केड्यूल पर चल रहा हूँ। बट कोई मेरा भाई स्पेशली टाइम निकाल गया तो ये सारी चीज़ें शिराज में नर्जिस्तान गार्डन में ट्राई कर सकता है। तो अभी हम निकल चुके हैं, शाह चिराग श्राइन की तरफ जाने के लिए। तो मैं आपको रास्ता बताते रहूँगा, नज़ारे दिखाते रहूँगा। मेरे साथ फ़िलहाल मुझे मेरे हॉस्टल की ओनर कंपनी कर रही है, वो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है और वो इंग्लिश ज़्यादा नहीं बोल पाते, इसके लिए वो थोड़े शाही फील कर रहे हैं। इस तरह से कुछ शिराज का नज़ारा है फ़िलहाल, लोग दिख रहे हैं वॉकिंग करते हुए, शॉपिंग करते हुए। इनकी मार्केट्स काफ़ी अच्छी है, वुलन क्लोथ्स मिल रहे हैं, हेड कवर करने के लिए कैप्स मिल रही है और कान कवर करने के लिए भी चीज़ें मिल रही है, बैग्स वगैरह मिल रहा है, बेबी का क्रेडल मिल रहा है। बहुत अच्छा मार्केट है शिराज का और काफ़ी साफ सुथरा सा रोड है, पेडिस्ट्रियन वॉक कह सकते हो आप या चलने की जगह फुटपाथ कह सकते हो। बहुत साफ सुथरा और काफ़ी रश नहीं है, क्योंकि हॉलीडेज है तो ज़्यादा रश नहीं है शॉप्स पे, बट काफ़ी खूबसूरत बैंगल्स वगैरह बिक रही है। चलते हैं, हम पहुंच चुके हैं हमारी अगली डेस्टिनेशन की तरफ जो है शाह चिराग श्राइन। आजू बाजू में पूरा मार्केट है, लोग फूड के स्टॉल्स है, काफ़ी अच्छा सा माहौल है और ये रात के अंदर और भी खूबसूरत दिखता है जब लाइट जलती होती है। श्राइन एंटर करने से पहले आपको सारी चीज़ें आपकी डिपॉजिट करनी पड़ती है, कोई भी चीज़ें अलाउड नहीं है, ये उसी के बाजू में है। आप यहाँ पे अपनी चीज़ें डिपॉजिट कर दीजिए, जैसे कि मैं मेरा बैग डिपॉजिट करने वाला हूँ अभी इनके पास। आपको रिसिप्ट देंगे, रिसिप्ट का पिक्चर मैं दिखा देता हूँ आपको, और उसी के साथ साथ आपको ये जब आपको रिटर्न लेना होगा तो आपको ये रिटर्न देनी होगी रिसिप्ट और आपका सामान रिटर्न दे देंगे। इस प्रकार से वो लोग आपको डिपॉजिटरी से या जहाँ पे आप अपना बैग रखोगे वहाँ से लॉकर की चिट्ठी आपको दे देंगे। ये चिट्ठी आपको दिखानी है जब आप निकलोगे बाहर, तो आपको आपके बैग से रिटर्न मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ अलाउड नहीं है श्राइन में। के बाद शाह चिराग में एंट्री है, मेंस वुमेंस दोनों को बाइफरकेट करके रखा हुआ है यहाँ पे। आप जैसे कि मैं मेन हूँ तो मेन्स एंट्री से जाऊँगा, अगर आपके साथ कोई वुमन होगी तो उनको वहाँ से जाना पड़ेगा। तो हम एंटर करते हैं, देखते हैं श्राइन कैसा है, फिर आपसे मिलते हैं। मैं श्राइन में एंटर होने से पहले मुझे रुका लिया गया है और बताया गया है करके ये रूल्स पढ़ लीजिए, कोई इंटरनेशनल टूर गाइड आएंगे मुझे हेल्प करेंगे वो शाह चिराग श्राइन एक्सप्लोर करने में। मुझे रुका लिया गया है और वहाँ से टूर गाइड आ रहा है, मैं उनको मिलते ही आपसे बात करूँगा। तो गाइस ये मेरे साथ जो चल रहे हैं ये मेरे गाइड है, काफ़ी अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं, से हाय। तो ये मेरे गाइड है, ये मुझे सारी जगह बताने वाले हैं और ये गवर्नमेंट की तरफ से फ्री सर्विसेज है टूरिस्ट के लिए, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है, हर कंट्री ने करना चाहिए और ईरान ने ये चीज़ का इनिशिएटिव लिया है, बहुत अच्छी बात है। मैं काफ़ी खुश हूँ ये चीज़ देख के कि गवर्नमेंट आपको गाइड प्रोवाइड कर रही है और जगह के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन दे रही है, इससे ज़्यादा आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कंट्री से, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आइए विज़िट कीजिए ईरान, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा। ये पूरा शाह चिराग श्राइन का लॉबी है, आप देख सकते हो कितना खूबसूरत है और इतना साफ़ सुथरा और इतना पीसफुल फील होता है यहाँ पे, जिसका कोई हिसाब नहीं है, और ऐसी जगहों पे आपको बहुत सुकून मिलता ही है। लोग जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो एकदम नेक्स्ट लेवल है, आपको गाइड मिलना वो भी इंग्लिश स्पीकिंग और आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना बहुत अच्छी चीज़ है। स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए गए, कोई भी सिक्योरिटी पर्सन की वीडियो नहीं बनानी है आपको, तो मैं वो नहीं करूँगा। मैं भी एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन की वजह से जिस कंट्री में हूँ उस कंट्री का लॉ फॉलो करूँगा और मैं अवॉइड करूँगा ऐसे से कोई भी वीडियो रिकॉर्ड करना, तो शायद से आपको कंटेंट कम देखने मिल सकता है, बट मेरी तरफ से जितना होगा उतना मैं आपको दिखाऊँगा और मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरे साथ गाइड है, मैंने उनसे पूछा है, मैं उनसे परमिशन ले चुका हूँ कि मैं आपको रिकॉर्ड कर सकता हूँ और उन्होंने हाँ कहा है मुझे। मुझे बहुत बेहद खुशी हो रही है सुन के कि वो लोग एग्री कर चुके हैं वो ये चीज़ के लिए, मुझे कम से कम रिकॉर्ड करने तो मिल ही जाएगा ये चीज़। सो ये जो आप श्राइन देख रहे हो ये शाह चिराग की श्राइन है, पूरा गोल्ड से बनाया हुआ है, मेरे गाइड ने अभी बताया है। और ये जो आप मिरर वर्क देख रहे हो ये बहुत ही खूबसूरत है और आप जितना ऊपर लकड़े का काम देख रहे हो जिसमें नक्काशी की गई है वो सारी चीज़ें टीकवुड में बनाई है और सब जगह या हुसैन लिखा हुआ है। और इसी के श्राइन के बाजू में शाह चिराग की श्राइन है, इसी के सामने एक और श्राइन है जो उनके छोटे भाई की, और ये दोनों ही श्राइन जो भाई है वो इमाम रिजा के भाई है। और आप ये जो मीनारत देख रहे हो उसके बाजू में ब्लू कलर का, इसके ऊपर अल्लाह के नाम लिखे हुए सारे के सारे,
और ये बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है, पूरा ईरानियन फ्लैग लगा हुआ है चारों तरफ। सेकेंड मीनार देख रहे हो, इस पे पूरे शियाओं के 12 इमाम के नाम लिखे हुए और पूरा वुडन आर्किटेक्चर है। आप देख ही सकते हो क्या खूबसूरत नज़ारा है। ये ईरानियन लोग काफ़ी रिलीजियस है। श्राइन है इसके ऊपर पूरे टूम्स दिख रहे हैं और दोनों मीनारत के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बहुत खूबसूरत व्यू है और इतना पीसफुल फील होता है। कोई भी होली प्लेस पे चले जाओ आपको इतना पीसफुल फील होगा, आपका अंदर से पॉजिटिविटी आना चालू होती है और वो मैं फील कर पा रहा हूँ। मुझे गूज बम्स आ रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हो रही, बट जो एक्साइटमेंट और चीज़ें जो आपको कहीं किसी का भी होली प्लेस हो वो आपको नेक्स्ट लेवल हो जाता है और आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ जाती है वो चीज़ों को देखने के लिए। हमारे गाइड हमें एस्कॉर्ट कर रहे हैं अंदर। This is the golden dome, made of gold, and written on it the name of 12 Imams and the other Prophet Muhammad Salvatul and the other Fatima. And here written a saying by our Prophet Muhammad. Inside that, ये पूरा दरवाजा गोल्ड का है और इसके ऊपर की सीलिंग आप देखिए पूरा डायमंड जैसा दिखता है बट ग्लास है। ये होली श्राइन है, पूरा मिरर का वर्क आप देख ही सकते हो। इतनी खूबसूरत सीलिंग मैंने जिंदगी में नहीं देखी। मैं, मेरे गाइड और मेरे साथ एक और जर्मन ये है टूरिस्ट है, हम लोग तीन जन ये टूर कंप्लीट करने वाले हैं बस। और ये जैसे ही कंप्लीट होगा मैं आपको वकील बाज़ार ले चलूँगा घूमने के लिए। तो अभी हम एग्जिट कर चुके हैं शाह चिराग श्राइन, अभी हम जा रहे हैं डिपॉजिटरी की तरफ जहाँ से हम अपना लगेज वापस ले लेंगे और मिलता हूँ आपको वकील बाज़ार में। तो अभी हम पहुँच चुके हैं वकील बाज़ार और हम थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे हैं। मुझे एक फ़ीमेल मिली है वकील बाज़ार में जो मेरी हेल्प कर रही है, मैं उनसे भी आपको मिलाता हूँ कुछ ही देर में। बट अभी क्या थोड़ा क्राउडेड है इसलिए मैं उनसे मिला नहीं पा रहा हूँ आपको, बट मैं आपसे उन्हें जल्दी मिला दूँगा। तो अभी हम पहुंच चुके हैं वकील बाज़ार और हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये बाज़ार फेमस ही इसलिए है कि यहाँ पे आपको सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, ए टू जेड आप जो मांगो यहाँ मिल जाएगा आपको। क्लोथ्स वुमेंस के लिए, परफ्यूम, मेकअप, सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं यहाँ पे। और ये काफ़ी खूबसूरत सा बाज़ार है और ये बाज़ार सबसे जूना बाज़ार में है शिराज सिटी के अंदर। बाज़ार फेमस ही इसलिए है कि यहाँ पे आपको सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाते हैं इजीली। आप ब्रांडेड चीज़ों से लेकर के लोकल प्रोडक्ट्स सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाते हैं, आप देख ही सकते हो मेरे पीछे। और इस टाइम काफ़ी रश है क्योंकि 4 दिन का हॉलीडे चल रहा है। इस बाज़ार में आपको सारी चीज़ें देखने मिल जाती हैं, एंटीक्स, ज्वेलरी, मेन के लिए, वुमेन के लिए रिंग्स, क्लोथ्स, सॉक्स, आपको जो चाहिए वो मिल जाता है यहाँ पर। तो एक बहुत ही अच्छा लोकेशन है शॉपिंग करने के लिए या सोविनियर्स बाय करने के लिए अगर आपको फैमिली के लिए बाय करना है तो। और वकील बाज़ार का एक एंट्रेंस जो है वो एकदम एग्जैक्टली शाह चिराग श्राइन के सामने से ये एंट्रेंस है वकील बाज़ार का। आप देख ही सकते हो कितना लाइवली है पर्शिया ये टाइम पे, या ईरान कह सकते हो। लोग शॉपिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं, जैसा दिखाया जा रहा है वॉर वगैरह का सिचुएशन कोई चीज़ नहीं है और काफ़ी सेफ फील हो रहा है। इतने लोगों को देख के ऐसा लगेगा ही नहीं आपको कि आप वॉर सिचुएशन में हो या कोई। कंट्री की इकोनॉमी थोड़ी सी आगे पीछे हो चुकी है बट फिर भी बहुत अच्छे लोग हैं और काफ़ी अच्छे से आपसे बात करते हैं। इससे थोड़ी देर पहले मुझे एक लड़की ने थोड़ा सा बाज़ार घुमाया था बट उसका कोई फ्रेंड का कॉल आ गया तो वो चली गई और वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि वो बहुत ओवरक्राउडेड जगह था और ऐसी जगहों पे मतलब रिकॉर्ड करने में और लोगों ने हिजाब वगैरह पहना हुआ है। अब जैसे बाज़ार में भी लोग थे, थोड़े रिस्ट्रिक्शंस होते हैं रिकॉर्ड करने में, तो हमने रिकॉर्ड नहीं किया है।
बाजार के बारे में खासियत ये है कि यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि खाली कपड़े मिल रहे हैं या हेलो हाय ऐसा नहीं है कि आपको खाली कपड़े मिल रहे हैं या आपको खाली चीज़ें मिल रही है, कॉस्मेटिक्स मिल रहा है, आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी यहाँ पे। आपको यूटेंसिल्स से लेकर के आपको घर के लिए जो भी चाहिए ए टू जेड वन स्टॉप शॉप कह सकते हो आप इसको। काफ़ी अच्छा बाज़ार है, आप घूमने जैसा है, आप जाइए घर के लिए सोविनियन खरीदिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी अच्छी वीडियो में। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पे जुड़े रहिए, परिवार का हिस्सा बन के रहिए। मैं मेरे हॉस्टल से निकल चुका हूँ अभी, जो पीछे आप दरवाज़ा देख रहे हो मेरे हॉस्टल का दरवाज़ा है। मैं निकल चुका हूँ खाना खाने के लिए और मुझे मेरे हॉस्टल के ओनर ने सजेस्ट किया है कि आपको शिराज में बेस्ट शिराजी फूड ट्राई करना है तो आप सामने ही होटल मलिक है उसमें जाइए और ट्राई कीजिए। तो मैं वहाँ जा रहा हूँ अभी, देखते हैं हमें क्या खाने के लिए मिलता है। उनका मेनू भी मैं आपको दिखाऊंगा और मैं होटल भी दिखा देता हूँ आपको। देखते हो जैसे होटल मलिक करके है, मेरे हॉस्टल से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पे है। काफ़ी खूबसूरत सा होटल है ये, जैसे कि मुझे सजेस्ट किया था, और काफ़ी अच्छा एम्बियंस है इनका। मैं भी जा रहा हूँ यहाँ पे खाना खाने के लिए, देखते हैं हमें मेनू में क्या मिलता है और कितने का बिल आता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। काफ़ी खूबसूरत सा और अच्छा होटल है, आप देख ही सकते हो कितना अच्छा एम्बियंस है। ज़्यादा क्राउड नहीं है क्योंकि ठंडी का समय है तो लोग बाहर नहीं आते ये टाइम पे, बट ये बहुत खूबसूरत सा होटल है। आप देखिए छोटे से टेबल वगैरह ये सारी चीज़ें, और यहाँ पे खाने के साथ आपको एक ड्रिंक कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है जो मैं ट्राई करूँगा अभी। ये इनका मेनू है जिसके अंदर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, बट मैंने मेरे जो रेस्टोरेंट के ओनर है उनसे मैंने पूछ लिया मुझे क्या मिल सकता है खाने के लिए, उन्होंने मुझे चीज़ें एक्सप्लेन कर, तो मैं वही सारी चीज़ें अभी देख करके सोच रहा हूँ क्या खाना है मुझे, और मैं आपको भी बताऊँगा मैं क्या ऑर्डर करता हूँ। ठीक है, तो मुझे जो कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ मिली है साथ में वो कॉफ़ी है, क्योंकि ठंडी का टाइम है, कोई कोल्ड चीज़ लेने से बेहतर है मैं कॉफ़ी ले लूँ पीने के लिए, कि मेरे बदन में भी गर्माहट रहेगी थोड़ी सी और गला वगैरह ख़राब नहीं होगा, क्योंकि मुझे आगे भी ट्रैवल करना है सो मुझे अपनी सेहत का भी ख्याल रखना ज़रूरी हो जाता है। तो उन्होंने मेरे लिए नेस्कैफे भेजी है जो आ चुकी है और काफ़ी गर्म है, अभी इसे मैं कंज्यूम कर लेता हूँ या पी लेता हूँ, उससे बाद अब जब खाना आएगा तब मैं आपको खाना भी दिखा देता हूँ। हमारे रेस्टोरेंट के ओनर है मुझे मेनू एक्सप्लेन कर रहे हैं। सर मुझे आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस मेन्यू, कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन व्हाट कैन यू प्रोवाइड फॉर मी टू हैव? यस, बिकॉज इट्स हियर इज शिराज। ओके, शिराज दैट्स द स्पेशल फूड फ्रॉम शिराज। ओके, व्हिच इट इज चालमपोलो। ओके, चालमपोलो मींस cabbage with meat. Okay. And rice which is mixed together. Okay. That's the second one is zeresh polo. Okay. Mulberry with the rice. Okay. And chicken kebab. Okay. Which is chicken with the rice. And we have also mince kebab which is lamb is mince with the chelo. Chelo means rice. The which is very special dish. What is your famous Shirazi dish? I want to try something because I'm in Shiraz, so I want to try something Shirazi dish. Chalampolo. Chalampolo? Chalampolo. It's special from Shiraz. The other town. What are the ingredients in Chalampolo? Chalam means cabbage. Okay. Polo means rice. Okay. If you say Chalampolo means cabbage, which is mixed with rice and meat. Okay. That's very with the spices. Okay. That's very delicious. Okay. And also we have porridge like a korma sabzi, which is vegetables. That's good for the vegetarian people. Okay. Or aubergine, which aubergine is the other porridge. It is mixed with the rice aubergine. The other one is chickpeas, which is. Now I order for you. Okay, chickpeas. You. Okay. Yeah. What is what are its content? Qaymeh? No, chickpeas. What I ordered for? Yeah. We call it qaymeh. Qaymeh. Okay. Qaymeh, chickpeas with the meat. Meat means from lamb. Okay. And it's coming with the rice. Okay. Normally. And is it spicy or medium spicy? Medium spicy. Okay, medium spicy. And. We have different things.
normally we have the special breakfast here. Okay. Very special because okay, Shirazi breakfast. Shirazi breakfast. You don't find Shirazi breakfast in any restaurant. Okay. But in hotel, normally in hotel you can find, but that's a few hotels okay. in Shiraz. Yes, we have, of course, you can order for tea here because it's in the And what did you order for me? I forget the name because it's kind of difficult for me to remember. Kaime. Okay. Kaime. Yeah. So thanks for this help understanding the menu. I'm glad that you helped me, otherwise I would be wondering what to have. Please, you're welcome. The drinks, we have something which is rose water. Rose water is very delicious, yeah, but not for this season. Yeah, it's cold. Normally it's for the summertime. And what do you, if someone orders food, you give drinks complimentary? Yes. Okay. Yeah. So you mean to say the drinks are complimentary? Yes. Yeah. Okay. That yeah. like you gave me the coffee, it was complimentary. Exactly. Okay. That, yeah. That's so nice. Yeah, nice. Please. I hope you enjoy it. Yeah, inshallah. Yeah. चिकपीज वगैरह ऐसा ही कुछ ऑर्डर किया है मैं, उसका खलम पोलो या कुछ ऐसा नाम है, मैं नाम भूल जाता हूँ बार बार, और बार बार नाम पूछना अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, मुझे भी शर्म आ रही है, वो सोचेंगे कैसा बेवकूफ़ इंसान है कि एक नाम याद नहीं रख पा रहा है, बट उनको मैं कैसे समझाऊँ, मैं एक इंडियन हूँ, मुझे ये पर्शियन नाम याद रखने में बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है और मैं उनको समझा नहीं पा रहा था, तो मुझे भी अभी अच्छा नहीं लग रहा बार बार बोलने, बट जो भी मेरा डिश आएगा उसके अंदर चिकपीज होंगे, जैसे कि जो हम कहते हैं काबुली चना कहते हैं जिसे वो, और लैम का मीट होगा और राइस वगैरह होगा, जैसा भी डिनर आएगा मैं डिनर कर लेता हूँ और आपको डिनर दिखा दूँगा मैं, ठीक है? तो वो देखते हैं, डिनर करते हैं, होपफुली डिनर जैसे शिराज की रेप्यूटेशन मैंने सुनी है डिनर वगैरह के अंदर काफ़ी अच्छा है, तो मुझे फील तो हो रहा है करके काफ़ी अच्छा खाना मिलने वाला है आज ट्रैवलिंग में, अच्छा खाना मिलना भी एक ऊपर वाले की देन है आप कह सकते हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि खाना अगर बदन में नहीं जाएगा तो आप एनर्जी कहाँ से लाओगे ट्रैवल करने के लिए, तो खाना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और जैसे कि मैं एक ट्रैवलर हूँ तो मेरे लिए खाना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मुझे एनर्जी लगती है क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं यहाँ घूम रहा हूँ वहाँ घूम रहा हूँ, मेरा वॉकिंग ज़्यादा होता है, तो मुझे ट्रैवलिंग के टाइम पर थोड़ा खाना अच्छा ही लगता है, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं थोड़ा प्रोटीन ज़्यादा इनटेक करूँ जिससे मेरी हेल्थ मेंटेन रहे, और खाना अगर मैं अच्छा खाऊँगा तो मेरे लिए अच्छा है वो चीज़। कुछ इस तरह से मेरा टेबल का प्रेजेंटेशन हो गया है अभी फ़िलहाल, तो काफ़ी अच्छा सा लग रहा है कि मतलब आपको प्लास्टिक का एक क्लॉथ मिल रहा है जिसके ऊपर मतलब आप टेबल ख़राब नहीं करोगे, और साथ ही साथ में मेरा मील भी आ चुका है, काफ़ी डिलीशियस दिख रहा है, ट्राई करते हैं और उसके बाद बताते हैं आपको कैसा है। प्राइस भी आ चुका है, मेरा मील भी आ चुका है, और ये काफ़ी महंगा नहीं है, ये करीबन $4 के आसपास का मील है। ये सैलड्स है कुछ, ये राइस है, और ये जो नाम उन्होंने बताया जो मैं अभी तक भूल रहा हूँ और नाम मैं ले नहीं पाया हूँ, ये वही डिश है, तो इसे ट्राई करते हैं और मैं होप करता हूँ खाना जितना टेस्टी दिख रहा उतना टेस्टी खाने मिल जाए। अभी मैं ट्राई करने वाला हूँ खाना, टेस्ट करके मैं आपको बताता हूँ। ओह सो नाइस, सो नाइस, बहुत बहुत ही लाजवाब, बहुत ही डिलीशियस फूड है। तो मैं अपना मील कंप्लीट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं शायद होटल चले जाऊँगा, अभी मैं बाहर नहीं घूमूंगा। तो होप करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, मैं होटल रूम पहुँच के आपसे बात कर लेता हूँ, या मैं कहीं बाहर जाऊँगा तो मैं आपसे बात कर लेता हूँ, तब तक मैं अपनी मील कंप्लीट कर लेता हूँ। गाइस, जब ये खाना आया था मुझे लग रहा था मैंने कुछ ज़्यादा ऑर्डर कर दिया है, बट खाना इतना स्वादिष्ट था कि मैंने पूरा ख़त्म कर दिया है खाना, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब ये फिनिश हो गया है। बट कहते हैं ना, कभी कभी स्वाद इतना अच्छा होता है खाने का कि आप खाना तो पूरा, स्वाद इतना अच्छा होता है कि आप खाना ख़त्म हो जाता है, आपका पेट भर जाता है बट मन नहीं भरता। आज वही सिचुएशन हो गई है मेरे साथ, और मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है कि मैंने इतना अच्छा खाना खाया, और ये काफ़ी अच्छा सजेशन दिया मेरे होटल के ओनर ने कि आप ये ट्राई कीजिए, ये शिराजी फूड है, तो मैंने अच्छा हुआ उनकी बात मान ली, और ये फूड ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं था, $4 के करीब था, तो काफ़ी अच्छा फूड था।
तो अभी ऑलरेडी मैं बहुत थक चुका हूँ, खाना वगैरह हो चुका है, तो शायद मैं जा करके सो जाऊँगा अभी। थोड़े से देखता हूँ मैं, अगर वीडियो एडिट करने बैठा तो थोड़ा एक आध घंटे में मैं सो जाऊँगा। तो आप लोगों से मिलते हैं कल, क्योंकि कल मैं जाने वाला हूँ सिराज में ही, कुछ एक ऐतिहासिक जगह है वहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए, वो भी आपको व्लॉग्स में दिखेगा। आप जुड़े रहिए व्लॉग्स के साथ, तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कर रहा हूँ आगे और कहाँ जाने वाला हूँ, वो भी सारी चीज़ें आपको नज़र आएगी व्लॉग में। तो मैं आपसे अभी फ़िलहाल के लिए इजाज़त चाहता हूँ कि मैं फ़िलहाल अभी ये व्लॉग यहीं एंड कर देते, और अगर आपको व्लॉग पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल के साथ जुड़े रहिए।